इसे गम चेक हुई। गम तो जानी इंसान छोड़ता है, कैद हयात व बंद गम, असल में दोनों एक। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाएगा। गालिब बंदा जिंदा कह लो या गमगीन कह लो, एक ही तरफ जरा जिंदा ना गमा टिक गया, मरन तक के गमा तो निजात नहीं पा सकता। गम अल्लाह ने इस तरह लगाया बाकी फानी चीज़ों के गम छड़ दे, वो तो मिल भी जान तेन तो क्यों साथ देंगे, तू मर जाएंगे रह जाएंगे, बीवी बच्चे सारे माल दौलत इकट्ठे कर मगर तू मेरे ना यारी ला हाँ जरा बाकी अरजिंदा अल हयुल कयूम है, मेरा बन देगा मैं हमेशा फिर तेरे नाल, फिर नहीं तेन कोई परेशानी होगी, हर शायद तेरी पूरी हो जाएगी। थानी साहब रहमत रब ने जरा आख्या ना इंसान ने उठाया इनू, हजरत हाफिज़ शिराज़ी रहमत ने जो शेर बयान किया पढ़ा हूँ, आसमां बारे अमानत नतवान इस किस्म, जब आई बारी भी चुको अमानत सब ने इनकार कर, आसमान आदमी ने आख्या नहीं गमा देनी असी पैर जो चुकाना ही चुका दे गम नहीं, आसमां बारे अमानत नतवान इस किसी कुरा ए फाल बना में मने दीवाना तान, फिर तास फिर ना इस दीवाने से पै गया, दीवाना अगे होया भी अकल वाले का कम नहीं, ये अकलमंद लोग जो ये नहीं चुक सकते, मैं दीवाना और मजनू मैंने चुका दे, मैं सौदाई और सौदाई इश्क दाई अल्लाह की मुहब्बत आँगी, दसो इमाम हुसैन जोड़े थे ना होंगे दीवाने अल्लाह की मुहब्बत कर सकते, तो बेटिया और बच्चों लैके गोद जोड़े थे तुर पाए भी शहीद करवा दें, है जो आदमी आता यार कोई अकल की गल करो, छे महीने का बच्चा इनू तुम लैके चले कि जहाज है, अरे अपनी भैन और बेटिया ना लड़िया मुजाहिद है इन्हें को कसला, मगर सिर्फ इश्क जरा दे कहने वाले ने बिल्कुल ठीक किया, लोग रोकया अकल ने हाथ बदे ए पर इश्क ने पेश ना जान दी, ये इंसान ने उठाया दीवाना और मजनू होकर चुक लिया, बे तेरी खातर दुख सौगा है सूली से चढ़ना पा चढ़ जाऊ, फांसी दिसन डी है गले पै जाना फंदा और मर जाना तू, मगर जिस तरह शायर ने बात कही ना आसान ही है मार फते राज है करबला, ये दुनियादारा तो यही है विनय जी उन्होंने बेवकूफी की क्यों गए, आसान ही है मार फते राज है करबला, दिले हक शनास दीदा है बेदार चाहिए, जिन्होंने अखा खुलियां दिल जाओ समझ सकते हैं क्यों गए, आती है करबला से ये आवाज आज भी हाँ हक का एतराफ सरेदार चाहिए, फांसी से लटके हक का ऐलान कर इनू आदि अल्लाह तआला दी मोहब्बत, तो इंसान ने इस चक्कर जरा पाया इतने हजरत साजी ने एक बहुत आला रुबाई कही बयान हो मेरा इशारा सिर्फ तमीज ही कि इंसान जो बनाने की वारी आई अल्लाह ताला ने इन्हें अजीब एक माजून बनाई जिमें हकीम माजून बनाते ना कुछ उधरों ले है, ये माजून मुरक्कब बन गया बेचारा, फरिश्तों ने सिर्फ नूर पैदा करता नेकियां ही नेकी, शैतान बुराइया हो गया, जानवर खाण पीण हो गया, आदमी ज्यादा तुरफा माजून है, कहते यार बंदा जो अपने आप वेखे ये अजीब ही तमाशा कुदरत ने बनाया, हर बंदा मां के पेटों निकलता गया पानी से निकल के की आ गया, आतिश का प्रकारा भी है भावें बदमाशियां ही करी जाए अग ला दे दुनिया नूं ते भावें भाई वरी बन जाए, आदमी ज्यादा तुरफा माजून है अद फरिश्ता सरिश्ता वध हैवान, इधरों फरिश्तिया वाला कुछ लिया हिस्सा इधरों डंगरों वाला लिया खाण पीण बच्चे जन इन्हों दोनों गुण लिया वह इंसान बना दिया, इन्हू इस चक्कर पाता भी चाहे तो जानवर बन जा थले डिगदा बिल्कुल लांती होकर मर सुम मरदना सर साल डंगर तो पैदा उलायक कर नाम बलवा दल आख्या जोड़े सिर्फ खाण पीन तो बीवे बच्चे जानते लगे रहन इस तरह ही मुर्गा यह हैवान ये जानवर रले इन्होंने फरिश्ते वाला हिस्सा बिल्कुल अपने चो खत्म कर जेडे फरिश्तिया चल पै इबादत करनिया गार वड़ गया चिले किते बीवी बच्चे छड़ते वह भी आख्या फेल हो गया, ये फरिश्ते रह गए वह हैवान कितने गया जरा जान तेन वह भी हिस्सा दिता सी बही में वह कितने थे, इस तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को पता लगा कि फलां साहबी है हर रोज़ रोज़ा रखता तो रात में नफल पढ़ता, रसूल करीम अलैहि सलाम ने साहब क्या क्या अब्दुल्ला तेरे बारे पता लगा, उन्हें कहा हाँ तो फिर मैं गलत कर रहा ये कोई दीन मंजूर नहीं, इन्होंने नफ से कहा एक हक का तेरी जान का भी तेरे से हक है कि रात में साया कर, तेरी अखा का हक है इन्होंने आराम कर दे, तेरी बीवी का हक है कि वो जा और तेरे जड़े ना मिलने वाले मेहमान उन्हों का हक है उन्होंने टाइम दे, अल्लाह यही चाहता भी तुम एक पासे हो जाओ, हूँ किस मुसीबत इंसान फसया जरा ना फरिश्त्या किसी नहीं अज फरिश्ता सरिश्ता बधाया।